बिहार सरकार के मंत्री जेडीयू नेता अशोक चौधरी ने बिना नाम लिए लालू राबड़ी राज पर दलितों पिछड़ों को लेकर गंभीर सवाल खड़ा किया। अशोक चौधरी ने सवाल किया कि 2007 से पहले दलितों को समानता का अधिकार क्यों नहीं मिला, पहले की सरकार ने पंचायती राज व्यवस्था में आरक्षण क्यों नहीं दिया, किसने रोक रखा था। ये सारे सवाल उठाकर मंत्री अशोक चौधरी ने बिना नाम लिए 1990 से 2005 तक बिहार की सरकार चलाने वाले लालू राबड़ी पर भी बड़ा हमला बोला है। अशोक चौधरी ने कहा कि 2005 से पहले कल्याण विभाग का क्या बजट था, पहले सिर्फ कल्याण विभाग था, उसी से अति पिछड़ा अनुसूचित जाति जनजाति सब लोगों का कल्याण का काम होता था। 2007 में हमारे नेता ने अलग अनुसूचित जाति जनजाति का विभाग बना दिया, इस विभाग का आज का बजट है 1682 करोड़, पिछड़ा अति पिछड़ा विभाग बनाया बजट है 1432 करोड़। जो नेता बड़ा होता है और दूरदर्शी होता है वो यह सब काम करता है। दरअसल लोकसभा चुनाव से पहले नीतीश कुमार अति पिछड़ों और दलितों को साधने की कोशिश में जुट गए हैं। दलित महादलित समाज को बीजेपी और आरजेडी के साथ जाने से रोकने और अपने साथ जोड़ने को लेकर जेडीयू काम कर रहा है। पार्टी के नेता पूरे बिहार में घूम घूम कर दलित समाज को बताएंगे कि किसी दूसरे सरकार या नेता ने नहीं बल्कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आपको समानता का अधिकार दिया है, आपको पंचायती राज व्यवस्था में आरक्षण देकर राजनीति रूप से सबल बनाया है, संविधान बचाओ आरक्षण बचाओ देश बचाओ के संदेश के साथ जेडीयू 5 नवंबर को पटना में भीम संसद का आयोजन करेगी। पटना के वेटनरी ग्राउंड में आयोजित होने वाले भीम संसद के पूर्व मंगलवार को सीएम नीतीश कुमार ने इस कार्यक्रम से संबंधित रथों को झंडी दिखाकर रवाना किया। इस कार्यक्रम का आयोजन भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी की देखरेख में आगे बढ़ाया जा रहा है। रथ को हरी झंडी दिखाने के बाद अशोक चौधरी ने 2007 से पहले की सरकारों पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि हमारे नेता नीतीश कुमार ने 17-18 वर्षों में अनुसूचित जाति जनजाति को लेकर काफी काम किया है, हम लोग इसी बात को रखने का प्रयास कर रहे हैं। जिस नेता ने दलितों महादलितों को राजनीतिक आर्थिक सामाजिक रूप से मजबूत करने का काम किया है उसके मनोबल को बढ़ाने का काम करना है। अशोक चौधरी ने सवाल कर रहे हैं कि बाबा साहेब ने क्या कहा था, संविधान में समानता का अधिकार है, संविधान कब बना, लागू कब हुआ, 2007 तक दलितों अति पिछड़ों को क्यों इंतजार करना पड़ा, पहले की सरकारों ने क्यों नहीं पंचायती राज व्यवस्था में आरक्षण देने का काम किया, यह काम तो नीतीश कुमार ने किया, आज अंबेडकर छात्रावास कौन बना रहा है, दलित बच्चों को पढ़ाने का काम कौन कर रहा है, यह सब काम तो नीतीश कुमार कर रहे हैं। 32,000 प्राथमिक विद्यालयों का निर्माण कराया, महादलित टोला में स्कूल बनवाया गया, हम लोग घूम घूम कर यही कहेंगे कि जो नेता आपके साथ खड़ा है आप भी उसके साथ खड़ा रहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी पोस्ट लाइव।